शाहजहाँपुर के जिला अस्पताल के नव निर्माण का लोकार्पण करेंगे सीएम। शाहजहाँपुर के जिला अस्पताल के जर्जर हो चुके पुराने भवन के आधे हिस्से को तोड़कर 16 करोड़ से ज्यादा लागत का 100 बेड के भवन का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। 4 अगस्त को सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस नव निर्मित अस्पताल मातृ और शिशु भवन का लोकार्पण करेंगे। कलेक्टर रिजू बाफना, विधायक अरुण भीमावत ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ सीएम के आगमन को लेकर आज जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। जिला अस्पताल के पुराने भवन के जर्जर हो जाने के कारण ट्रोमा सेंटर के भवन में जिला अस्पताल को शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ पर 125 बेड की व्यवस्था की है। मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए 16 करोड़ से अधिक की लागत से जिला अस्पताल के पुराने भवन के आधे हिस्से को तोड़कर 100 बेड के अस्पताल का भवन बनाया है। इस भवन के बनने से जिला अस्पताल के मरीजों को भर्ती करने की क्षमता दोगुनी हो जाएगी। इसका लाभ सभी मरीजों को मिलेगा। पूरा प्रस्तावित क्या पूरा कार्यक्रम है? रविवार को दोपहर को माननीय मुख्यमंत्री जी का शाहजहाँपुर आगमन है। 100 बेड का जो अस्पताल हमारा बना है उसका लोकार्पण करने के लिए, और घर पर भी छोटे भाई का देहांत हुआ तो उसमें बैठने का कार्यक्रम उन्होंने बनाया है। शाहजहाँपुर के लिए बड़ी सौगात है कि 100 बेड जो एक मातृत्व और शिशु के लिए बना है और एक अच्छा अस्पताल हमारा बनकर तैयार हुआ है। निश्चित रूप से आने वाले समय में और भी चिकित्सा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी की जो सोच है वो निश्चित रूप से शाहजहाँपुर जिला मुख्यालय को देखने को मिलेगी। अभी इसकी शुरुआत तो कर रहे हैं, आने वाले समय में और हमें 100 बेड मिलने वाले हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि शाहजहाँपुर को मेडिकल कॉलेज की भी आने वाले समय में सौगात मिलने वाली है। उसके लिए हमने ज़मीन भी देखी है, नर्सिंग कॉलेज का भी हम प्रयास कर रहे हैं। स्वास्थ्य की सेवाओं में हम निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जनता की मांग पर हम प्रस्ताव बनाकर भेजे हैं और उसकी शुरुआत 100 बेड हमें मिले हैं, आने वाले समय में और भी निश्चित रूप से मिलेंगे। उनका रविवार को दौरा कार्यक्रम बना है। कितनी क्या लागत से बनाता है ये अस्पताल? करीब इसकी लागत 16 करोड़ के आसपास की, 16 करोड़ ने कुछ लाख है, इसके आसपास की लागत से बनकर तैयार हुआ है। वास्तव में एक अच्छा अस्पताल बनकर तैयार हुआ है। अंदर जाते हैं तो लगता है कि जैसे हम प्राइवेट अस्पताल इंदौर में और भोपाल में देखते हैं उसकी तर्ज पर ही यहाँ पर एक सुविधा भी, उपकरण भी है और एक अच्छा भवन बनकर तैयार हुआ है। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्ता पूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी करा, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंक रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।